भैया वापस आ रही है। मैं महसूस कर सकता हूँ कि जिन लोगों ने मुझे इस यहाँ पे गुफा में बंदी बनाया था उनकी शक्तियाँ ये दुनिया को छोड़ के जा रही है। ये धरती, ये आसमां, मैं प्रतीक्षा लेता हूँ कि मैं पूरी दुनिया पे फिर से राज करूँगा। मैं हूँ किंग क्रियोद्रा। मुझे हजारों साल पहले काली शक्तियों का इस्तेमाल करके छोटा बना के ये माइनशाफ्ट में बंद कर दिया था, पर अब देखो मुझे, मैं मेरी शक्तियों को वापस से बुला रहा हूँ। समक्ष सृष्टि, मेरी शक्तियों को मेरे पास वापस भेज दो। मैं अब कमजोर छोटा सा किंग की उतरा नहीं रह सकता। ये देखो, सृष्टि ने मेरी शक्तियों को मेरे तक वापस भेज दिया है। मैं कितना खतरनाक बन चुका हूँ। मैं किंग कॉन्ग की पूरी फैमिली को तबाह कर दूंगा। ये देखो, इनके परिवार के पास मैं आ चुका हूँ। अब इनको पता चलेगा किंग की उत्तरा से बदला लेने का क्या मतलब होता है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, तुम्हें सामने किंग कॉन्ग की फैमिली इतनी कमजोर हो चुकी है। मेरे से जो किंग कॉन्ग लड़ा करते थे बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे, पर यहाँ देखो, ये जो बड़ा किंग कॉन्ग है ये तो फिर भी शक्तिशाली है, पर उसके बच्चे इतने कमजोर हो गए हैं। ये लोग कुछ काम के नहीं बचे हैं। एक ही बार में इनके आइलैंड पे जाके पूरे परिवार को तबाह कर देता हूँ। ये देखो, पहुंच गया इनके आइलैंड पे तारे किंग कॉन्ग। हेलो, बोलो मुझे, मैं मेरा बदला लेने आया हूँ। अरे मम्मी, ये कौन है? अरे मम्मी बचाओ, इसने तो मुझे लेजर मार दिए। अरे मेरे बेटे को कौन मार रहा है? जी बचाओ। अरे ये किंग योद्रा कैसे यहाँ पे वापस आ गया? हमने तो इसको हजारों साल पहले सील कर दिया था। सरप्राइज सरप्राइज किंग कॉन्ग, ये देखो किंग योद्रा की एनर्जी। और तो और, ये देखो, किंग कॉन्ग की फैमिली को डिस्ट्रॉय करके मैंने मेरी पूरी शक्तियां अनलॉक कर ली है। पहले मैं कमजोर किंग योद्रा था, अभी मैं अल्टीमेट लेजेंडरी किंग योद्रा बन चुका हूँ। ये देखो, मेरे तीन तीन ड्रैगन के डिमोनिक सर और उसके साथ साथ मेरे तीन तीन विंग्स और मेरे खतरनाक पंजे पूरे लॉस सैंटोस को अपने कब्जे में कर देंगे, और किंग कॉन्ग की फैमिली का यहाँ पे ना होने के कारण मुझे कोई रोक भी नहीं पाएगा। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया? मेरी मम्मी कहाँ है? मेरे पापा कहाँ है? ये किंग योद्रा ने तो हमारी पूरी फैमिली पे हमला कर दिया। मुझे जल्दी से मेरी मम्मी के पास जाना है। मम्मी मम्मी कहाँ पे हो? अरे मेरे बेटा, मेरे पास आ, मुझे तुझे एक बात कहनी है। ये किंग योद्रा वापस आ गया है, तुझे जाके फ्रैंकलिन की मदद मांगनी पड़ेगी और उसे किंग कॉन्ग का बनाना खिला के एक लेजेंडरी किंग कॉन्ग में अपग्रेड करना पड़ेगा, जिससे वो किंग योद्रा को हमेशा के लिए हरा सके। अरे मम्मी, मुझे फ्रैंकलिन की जरूरत नहीं है, मैं खुद किंग कॉन्ग का लेजेंडरी बनाना खा के किंग योद्रा को हरा दूंगा। अरे नहीं बेटा, तू उसको नहीं हरा पाएगा। किंग योद्रा को सिर्फ फ्रैंकलिन ही हरा सकता है। तू जल्दी से उसके पास जा, हमारे पास वक्त नहीं है। किंग योद्रा ऑलरेडी अपने अल्टीमेट लेजेंडरी फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अच्छा अच्छा, ठीक है मम्मी, मैं जल्दी से फ्रैंकलिन भैया के घर की तरफ भागना शुरू करता हूँ उनसे मदद मांगने के लिए। फ्रैंकलिन भैया, ये देखो, मैं जल्दी से फ्रैंकलिन भैया के घर पर आ गया। फ्रैंकलिन भैया कहाँ पे हो? कहाँ पे हो? मुझे आपसे बात करनी है फ्रैंकलिन भैया। अरे ये कौन आवाज कर रहा है? एक सेकंड यार, ये इतना बड़ा बंदर मेरे घर में कहाँ से घुस कर आ गया? अरे फ्रैंकलिन भैया, मैं बंदर नहीं, मैं तो एक किंग कॉन्ग का छोटा बेबी हूँ, तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी। अरे क्या हो गया यार किंग कॉन्ग? अरे किंग योद्रा है ना, वो अपने प्रिजन से छूट के एक जायंट फॉर्म में कन्वर्ट होके हमारे आइलैंड पर आया, स्कल आइलैंड पे, और उसने हमारे पूरे परिवार को डिस्ट्रॉय कर दिया। और यही नहीं और क्या किया उसने? अरे उसने यही नहीं, और खुद को उसने अल्टीमेट किंग योद्रा फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लिया। क्या अल्टीमेट किंग योद्रा? मतलब पहले वो छोटा सा ड्रैगन था, फिर थोड़ा बड़ा ड्रैगन हुआ, और उसके बाद अल्टीमेट फॉर्म में भी आ गया। हाँ हाँ हाँ, और सारे किंग कॉन्ग की फैमिली को उसने तबाह कर दिया है। अब उसे हराने के लिए सिर्फ आप ही हो, आप। नहीं 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 नहीं, मैं कैसे हराऊंगा? मेरे पास तो किंग कॉन्ग की पावर्स भी नहीं यार, मैं नहीं हरा सकता। अरे नहीं नहीं, इसके लिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ, आपकी मदद करने। आपको एक वीकेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट किंग कॉन्ग में अपग्रेड होना पड़ेगा, और उसके लिए आपको ये बनाना खाना पड़ेगा, ये वाला। अरे कौन सा बनाना? तू तो कोई भी बनाना नहीं लेकर आया। अरे अरे नहीं,
नहीं, मैं किंग कॉन्ग की पावर देने वाला बनाना लेकर आया था। अरे नहीं नहीं, चॉप के घर में भी नहीं, चॉप तूने खा लिया क्या? आओ नहीं फंकी बम, मानो कुछ भी नहीं खाया। अरे तू कोई बनाना वनाना नहीं लाया? अरे ये क्या कर दिया मैंने, गड़बड़ कर दी। वहाँ है ना किंग योद्रा से भागने के चक्कर में बनाना लाना भूल गया मैं। बनाना लाना भूल गया, अब मैं मेरा है ना किंग कॉन्ग का मीटर कैसे भरूंगा? अब तो कुछ नहीं हो सकता यार, मैं पक्का हार जाऊंगा। नहीं नहीं फ्रैंकलिन भैया, ऐसे मत बोलो यार। देखो अगर सब बच्चे है ना जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट सेक्शन में बनाना की इमोजी डालेंगे ना, तो वो किंग कॉन्ग का बनाना यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा। जल्दी जल्दी सब बच्चे वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में बनाना की इमोजी डाल दो। अच्छा अच्छा गाइज, ये देखो यार, ये जो किंग कॉन्ग है ना, इसके अकॉर्डिंग अगर तुम सब जन वीडियो को लाइक करोगे और कमेंट सेक्शन में बनाना की इमोजी डालोगे ना, तो यहाँ पे किंग कॉन्ग का बनाना खुद से आ जाएगा और उसको खा के मैं किंग कॉन्ग में अपग्रेड हो जाऊंगा। फिर मुझे खुद को और अपग्रेड करना पड़ेगा, और अगर मैं ये अपग्रेड नहीं कर पाया ना खुद को, तो फिर यार मैं लेजेंडरी अल्टीमेट किंग योद्रा को हरा के पूरे लॉस सैंटोस को नहीं बचा पाऊंगा। अरे हाँ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, फ्रैंकलिन भैया को अपग्रेड होते हुए भी तो देखना है ना, और किंग योद्रा से लड़ते हुए भी तो देखना है। हाँ हाँ गाइज यार, वो अल्टीमेट लेजेंडरी किंग योद्रा बहुत ज्यादा बड़ा यार, देखो यार लाइक हुआ क्या? अरे हाँ हो गए हो गए, पीछे देखो बनाना आ गया। ओ माय गॉड गाइस, ये देखो यार यहाँ पे पीछे तो बनाना आ चुका है। चलो चलो चलो, अभी मैं जल्दी से इसको खा के ना खुद को एक छोटे से किंग कॉन्ग में कन्वर्ट कर लेता हूँ। नम 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 नम। ओ माय गॉड गाइस, ये देखो यार, मैं तो एक अल्टीमेट छोटा सा बेबी कॉन्ग में कन्वर्ट हो चुका हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया, तुम में तो अभी से कितनी सारी पावर्स आ गई, अगर तुम थोड़े से और फ्रूट्स की पावर लोगे ना, तो फिर तो तुम और भी ज्यादा खतरनाक किंग कॉन्ग में अपग्रेड होके किंग योद्रा को हरा पाओगे। अच्छा अच्छा ऐसी बात है क्या, तो चलो यार जल्दी से फ्रूट्स की पावर लेने चलते हैं गाइस, लेट्स गो। तो ओके गाइस, यहाँ पे देखो मैं एक छोटा सा किंग कॉन्ग तो बन चुका हूँ, पर यहाँ पे देखो यार, अगर मुझे किंग योद्रा को हरा के उसको वापस से सील करना है उसकी केव में, तो मुझे खुद को और ज्यादा अपग्रेड करना पड़ेगा। सही कहा ना? अरे हाँ फ्रैंकलिन, अगर तुम्हें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है तो तुम्हें ये सारे फ्रूट्स को खाना पड़ेगा। जी हाँ गाइस, तुमने बिल्कुल सही सुना। अब आखिर में हूँ तो यार मैं एक बंदर ही, और एक बंदर को पावर मिलती है उसके फ्रूट्स खाने से। तो यार तुम लोग भी अपने सारे फ्रूट्स खाया करो, और मैं भी अपने यहाँ पे सारे फ्रूट्स खाऊंगा। चलो यार यहाँ पे जाके जो बड़ा सा एप्पल रखा मैं इसको खाने लग जाता हूँ। अरे एक सेकंड, ये क्या हो रहा है यार, इसको तो मैं खा ही नहीं पा रहा। रुको चलो कोई बात नहीं यार, यहाँ पे जो पीछे एक संतरा मतलब ऑरेंज पड़ा है, इसको खाने की ट्राई करता हूँ। अरे मैं तो इसको भी नहीं खा पा रहा, ये क्या हो रहा है? और गाइस ये दोनों छोटे फ्रूट को नहीं खा पा रहा, तो ये बड़ा सा जो तरबूज रखा है, वाटरमेलन रखा है, इसको तो मैं नहीं खा पाऊंगा। अरे फ्रैंकलिन, तुम ये फ्रूट्स को अक्खा थोड़ी खा सकते हो, तुम्हें पहले ये अपनी किंग कॉन्ग की शक्तियों को इस्तेमाल करके ये फ्रूट को दो पीसेस में कट करना पड़ेगा। क्या दो पीसेस में कट करना पड़ेगा ये फ्रूट को? अच्छा अच्छा समझ गया गाइस, ये देखो इसके लिए तो यहाँ पे है ना ये किंग कॉन्ग यहाँ पे एक्स लेके खड़ा है। लाओ 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 ये एक्स मुझे दो यार, मैं जल्दी से फ्रूट को काट के खुद को अपग्रेड कर दूंगा। कांगे कांगे कांगे, ये रही देखो मैंने भी मेरी किंग कॉन्ग की एक्स निकाल दी। चलो यहाँ पे जाता हूँ और गाइस यहाँ पे जोर से स्लाइस करूंगा इसको। हैया, एक सेकंड, ये देखो ये क्या हो रहा है यार, ये तो कटा ही नहीं। रुको रुको गाइस, मैं समझ गया यार, मुझे और पावर लगानी पड़ेगी, इसको काटना पड़ेगा। ये देखो गया, हैया हैया, ये देखो गाइस यार यहाँ पे, ये यार मैंने जोर से इसके ऊपर ब्लेड मारी ना मेरी, तो ये जो एप्पल था ये दो पीसेस में कट गया। बहुत अच्छे फ्रैंकलिन, अब तुम इसको खा सकते हो। चलो चलो गाइस, इसको जल्दी से खा लेता हूँ। नम 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 नम। ओ माय गॉड गाइस, ये देखो ये वाले एप्पल को तो खा के ना मेरा पीटर कितना जल्दी जल्दी ऊपर चला गया, और मैं एक अच्छे से किंग कॉन्ग में कन्वर्ट हो गया। चलो वापस से मेरी एक्स निकाल लेता हूँ मैं, ये देखो निकाली मैंने। फ्रैंकलिन देखो, जैसे जैसे आगे जाओगे इन फ्रूट को कट करना और भी ज्यादा मुश्किल होता जाएगा। हाँ 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 यार, कोई बात नहीं यार, ये एक संतरा ही तो है, इसको काटना कितना ही मुश्किल होगा। चलो यहाँ पे मैं जाता हूँ और इसको काटने का अच्छा तक। हैया, ये कट जा। अच्छा नहीं कट रहा, एक और बार काटूंगा, अभी भी नहीं कट रहा, रुको एक और बार काटूंगा। अरे गाइस यार देखो, इतना जोर से मैंने काटा था तब तो वो एप्पल कट गया था। मैंने बोला था फ्रैंकलिन नहीं कटेगा। अरे नहीं कटेगा कटेगा, ये देखो, अरे कट जा कट जा कट जा कट जा। गाइस ये तो कटने का नाम ही नहीं ले रहा। फ्रैंकलिन तुम्हें अपनी किंग कॉन्ग की पावर्स को जगाना पड़ेगा, तभी तुम ये फ्रूट को काट पाओगे। अच्छा किंग कॉन्ग की पावर्स को जगाना पड़ेगा। ये देखो यार, मैंने अभी अपनी किंग कॉन्ग की पावर्स को एक्टिवेट करा है, और ये जो है ना स्पेशल एक्स है, इसके अंदर भी ज्यादा पावर आ गई है। अभी देखो यार, ये सारे फ्रूट्स को काट काट के इनका हलवा बना दूंगा। अरे फ्रैंकलिन हलवा नहीं बनाना। अरे हाँ हलवा नहीं बनाऊंगा। ये देखो गाइस यार, इसके ऊपर मैंने है ना अटैक करना चालू कर दिया। ये देखो लाइटनिंग स्ट्राइक कर रहा हूँ मैं इसके ऊपर, और ये देखो, और ये जो ऑरेंज है अभी बहुत जल्दी कट जाएगा। ये देखो बस एक और लाइटनिंग स्ट्राइक करूंगा ना मैं इस पे, पक्का कट जाएगा। ये देखो उसको उठाया और मेरे हैमर से भी मारना चालू करता हूँ। ये देखो कट जा 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 कट जा। ओ माय गॉड गाइस, ये देखो इतनी ऑरेंज की मैंने धुलाई करी थी, उसके बाद ये फाइनली दो टुकड़ों में कट ही गया। चलो यार अभी इसको जल्दी से मैं खा लेता हूँ, मुझे ना मस्त एक और खतरनाक पावर अप मिलेगा। आम नम 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 नम।
लम नम 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 नम। ओह माय गॉड गाइस, ये देखो यार, फाइनली है ना, मेरी साइज काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। मतलब साइज तो ऐसे नहीं बढ़ी है, पर मेरी पावर ज्यादा बढ़ चुकी है। फ्रैंकलिन, अब ये जो लास्ट वाला जो वाटरमेलन है, इसको काटना सबसे मेन है। ये सबसे ज्यादा जायंट साइज का और ये तुम्हें बहुत पावर्स देगा। हाँ 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 गाइस, देखो यार, ये कोई छोटा मोटा ऐसा एरा गेरा नथु गेरा वाटरमेलन नहीं है, ऐसे ही नहीं कटेगा। मुझे वापस से मेरी एक्स को बाहर निकालना पड़ेगा। कहां गई मेरी एक्स, कहां गई? अरे इतने सारे हथियार के बीच मेरी एक्स ही नहीं मिल रही। ये रही मेरी एक्स बाहर आ गई। चलो यार, अभी डायरेक्ट है ना, मैं कूद के ये वाले वाटरमेलन पे हमला करता हूँ, इसलिए एक ही बार में कट जाए। ये देखो, गाइस ये देखो यार, ये वाटरमेलन को तो काटने की कोशिश कर रहा हूँ, ये तो कट ही नहीं रहा भाई। ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक वाटरमेलन है, ये ऐसे ही नहीं कटेगा। ऑब्वियसली इसकी साइज इतनी बड़ी है। तो देखो यार, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। यहाँ पे है ना, जो मेरी एक्स और मेरी किंग कॉन्ग से मिली हुई मुझे नई पावर्स है, उसका मैं इस्तेमाल करूंगा। और यार, इसको है ना, मैं अपनी पावर से कट करने की कोशिश करता हूँ। ये देखो गाइस यार, यहाँ पे है ना, जो मेरी पावर्स है, इससे है ना, मैं एक बहुत ही खतरनाक इलेक्ट्रिक रे छोड़ रहा हूँ, उसका इस्तेमाल करके मैं इसको काटने की कोशिश कर रहा हूँ। कट जा, रुक जाओ, नहीं कट रही। ये देखो, दूसरी स्ट्राइक इस्तेमाल करने का ट्राई करते। ये देखो मैंने कट मारा। तो चलो गाइस, देखते यार मेरा अटैक ने कुछ काम किया कि नहीं। एक सेकंड, हाँ गाइस, ये देखो मेरा अटैक तो काम कर गया यार। ये जो वाटरमेलन था, उसके इतने बड़े तो टुकड़े कर दिए मैंने तो। अरे वाह फ्रैंकलिन भैया, तुमने तो बहुत बढ़िया काम कर दिया। अरे हाँ, बहुत बढ़िया काम तो कर दिया यार। चलो अब मैं जल्दी से नहीं, जो जितना ही बड़ा वाटरमेलन है, इसको खा लेता हूँ। चलो यार, इन दोनों को खा लेता हूँ। नम 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 नम। ओ माय गॉड गाइस, ये देखो, मैं तो यार है ना, ये बड़े से वाटरमेलन को खा के एकदम खतरनाक गोल्डन किंग कॉन्ग बन चुका हूँ। और मेरे अंदर से देखो कैसी गोल्ड की पावर्स भी निकल रही है। ओ माय गॉड। अरे फ्रैंकलिन भैया, तुम ऐसे ही अपग्रेड होते जाओ, तुम बहुत ही जल्दी इनफ स्ट्रांग हो जाओगे कि किंग ग्रियोद्रा को भी हरा सको। हाँ गाइस, किंग ग्रियोद्रा को तो मैं हराने जितना स्ट्रांग बन सकता हूँ, पर यार उसके लिए मुझे एक जायंट गोल्डन किंग कॉन्ग बनना पड़ेगा, तभी मैं उसे हरा पाऊंगा, वरना कोई चांस नहीं है मुझे उसको हराने के लिए। और अभी तो उसके लिए मेरे को अपना मीटर बहुत ज्यादा अपग्रेड करना पड़ेगा। पर कोई बात नहीं गाइस, मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है मेरा है ना, फटाफट से और मीटर को आगे बढ़ाने के लिए। तो चलो गाइस, चलते हैं, लेट्स गो। ओ माय गॉड गाइस, ये देखो यार, ये वाली जो मैजिकल शार्क है ना, इसने यहाँ पे बहुत सारे मैजिकल टनल्स बनाए। ये टनल में से है ना, जो भी पास होता है वो है ना, अपग्रेड होने का एक चांस रखता है। पर यार ये देखो, शार्क ने यहाँ पे गेम बनाई है। ये देखो, मैंने यहाँ पे मैजिकल टनल्स तो बना दिए, पर मैंने सब तरह के दो दो टनल्स बनाए हैं। दोनों टनल एक जैसे दिखते हैं और एक जैसे लगते हैं, पर एक टनल तुम्हें अपग्रेड करेगा और दूसरा टनल डाउनग्रेड करेगा। ऐसे ही मैंने यहाँ पे चार टनल का सेट बनाया है। अगर तुम सारे टनल में से निकल कर गैस कर पाते हो कि कौन सा सही टनल है, तो फिर यार तुम्हें अल्टीमेट अपग्रेड मिल जाएगा। पर ये काम इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने इनको रैंडमली जमा रखा है। तो गाइस, तुम समझे, यहाँ पे जो सामने वाला अपग्रेड टनल है ना, यहाँ पे अपग्रेड होने का 50-50 चांस है। मतलब एक में अपग्रेड होंगे, एक में डाउनग्रेड होंगे। वैसे यहाँ पे है ना, चार चार टनल का लाइन लगी हुई है। मतलब चार टनल में से अपग्रेड होते, चार में से डाउनग्रेड होते। अगर मैं इन चारों में से सही टनल में से क्रॉस हो जाऊँ ना, तो मैं अपग्रेड हो जाऊंगा और किंग ग्रियोद्रा को हरा पाऊंगा। फ्रैंकलिन, पर इतना अच्छा लग तो किसी का भी नहीं है कि सब सही टनल्स में से निकल पाए। नहीं हो पाएगा तो अपग्रेड। अरे नहीं गाइस, मुझे कुछ भी करके अपग्रेड होना ही पड़ेगा। अगर मैं अपग्रेड नहीं हुआ ना, तो फिर यार चलेगा नहीं, मैं जीतूंगा कैसे। चलो यार, यहाँ पे देखो, किसी को मामू बनाने की कोशिश करते कि यहाँ पे है ना, ये अपने से पहले कोई टनल में चले जाए तो अपने को पता चल जाए यार कि कौन सा टनल सही है कौन सा गलत है। यहाँ पे देखो, एक छोटा सा डीडी कॉन्ग खड़ा, इससे जाके मैं बात करता हूँ और इसको बुद्धू बना के पहले टनल में जाने के लिए फोर्स करता हूँ। अगर अपग्रेड हो गया तो इसकी किस्मत, और अगर डाउनग्रेड हो गया तो इसकी किस्मत। अगर ये अपग्रेड हो गया ना, तो अपने सेम टनल को फॉलो कर लेंगे, और अगर डाउनग्रेड हो गया तो फिर यार मैं दूसरे टनल में चला जाऊंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अरे हाँ, मुझे पता है, बहुत अच्छा आइडिया। चलो इससे जाके बात करते। हेलो डीडी कॉन्ग, हेलो यार, तुम यहाँ पे अपग्रेड आए हो ना? अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, अपग्रेड ही होने आया था, पर यहाँ पे देखो ना, मुझे पता ही नहीं चल रहा राइट वाले टनल में जाओ या लेफ्ट वाले टनल में जाओ। अगर मैं और भी ज्यादा डाउनग्रेड हो गया तो मेरा तो पोपट हो जाएगा। मैं ऑलरेडी इतना कमजोर जो हूँ। अरे यार डीडी कॉन्ग, देख, तू मेरा छोटा भाई है, मैं तेरी मदद करूँ क्या? अरे क्या, तुम्हें पता है क्या इन दोनों में से कौन सा अपग्रेड वाला टनल है? अरे हाँ मुझे पता है, पर यार मैं तेरे कान में सिर्फ बात बताऊंगा, और प्रॉमिस कर, तू किसी और को नहीं बताएगा, तो ही बताऊंगा ये बात। अरे वाह, तुम्हें पता है कि कौन से टनल्स अपग्रेड होते हैं और तुम मुझे बताओगे?
हाँ हाँ बताओ बताओ कौन से टनल में से जाना है। देख पहले पक्का प्रॉमिस कर, किसी को नहीं बताएगा। अरे हाँ पक्का प्रॉमिस, किसी को नहीं बताऊंगा। गाइस ये देखो मैं इससे प्रॉमिस वॉमिस इसके लिए करवा रहा हूँ जिससे ये मेरी बात पे भरोसा करके एक ही बार में चले जाए। मुझे नहीं पता कौन से टनल से अपग्रेड होते हैं। अच्छा अच्छा डीडी कॉन्ग देख चल, तूने प्रॉमिस कर दिया ना इसके लिए मैं तुझे बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन में ना जो राइट वाला जो टनल है ना इसमें से निकलने पे अपग्रेड होते हैं, क्योंकि देख जो राइट वाले टनल का जो स्मोक है ना थोड़ा ज्यादा बड़ा, लेफ्ट वाले का थोड़ा छोटा है। ऐसा है क्या? मुझे तो देखने में सेम टू सेम ही लग रहा है। पर फ्रैंकलिन भैया आप एक गोल्डन कॉन्ग में अपग्रेड हो चुके हैं, आप सही ही बोल रहे होंगे। चलो ठीक है आपकी बात मान के मैं यहाँ पे है ना रेडी हो जाता हूँ ये वाले टनल में से कूदने के लिए, पर मैं डाउनग्रेड तो नहीं होऊंगा ना? अरे नहीं नहीं पक्का नहीं होगा, पक्का नहीं होगा। ओके चलो चलते हैं। ओ माय गॉड गाइस देखते हैं अब ये डाउनग्रेड होता है कि नहीं। चलो चलो ये जा रहा है, और ये देखो गया अंदर, और ये देखो। अरे वाह फ्रैंकलिन भैया थैंक यू, ये देखो यार तुमने तो मुझे एक जायंट गोल्डन किंग कॉन्ग में अपग्रेड करवा दिया। वाह 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 थैंक यू यार, तुम्हारी टिप तो एकदम सही थी। अरे गाइस देखो मुझे नहीं पता था मेरी टिप सही थी, मैंने तो इसको बस ऐसे ही बोल दिया था कि राइट वाले में चले जाओ, और भाई ये तो राइट वाले में चला गया तो ये तो अपग्रेड हो गया। चलो अच्छी बात है इसका उद्धार हो गया। थैंक यू फ्रैंकलिन भैया थैंक यू। अरे हाँ हाँ बस थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं, मैं तो मेरा मतलब निकल रहा था। चलो गाइस अभी मुझे पता चल चुका है कि राइट वाला टनल सही है तो मैं इसके अंदर से कूद के चलता हूँ। हे फ्रैंकलिन काफी दिमाग है तेरे अंदर, तो ये देख तू भी राइट में गया और अपग्रेड हो रहा है, पर ये देख तेरी स्ट्रेटेजी का एक ना फायदा भी है। हैं क्या ना फायदा है? अरे हाँ गाइस ये देखो मैं यहाँ पे ना एक और भी ज्यादा खतरनाक गोल्डन कॉन्ग में अपग्रेड तो हो गया, पर ये देखो यार ये वाली जो टनल की पावर थी ना ये काफी ज्यादा यूज हो गई थी, क्योंकि यार मेरे से पहले ये वाला कॉन्ग इसमें अपग्रेड हो गया था। इसके लिए यार मुझे जब अपग्रेड मिला तो छोटा वाला अपग्रेड मिला, पर कोई बात नहीं गाइस मेरा मीटर तो भी बढ़ा है ना आगे, बेटर सेफ देन सॉरी। चलो यार अभी यहाँ पे नेक्स्ट जाते देखते यहाँ पे कौन अपग्रेड होने के लिए खड़ा है। अरे चिकनी जमेली चुपके अकेले, अरे यार ये देखो यहाँ पे मैं कितनी देर से खड़ी हूँ, मुझे पता ही नहीं यार कौन से टनल में जाना है मुझे, मेरे को तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है और मैं किसी की बात भी नहीं मानूंगी। एक काम करती हूँ मैं है ना यहाँ पे छुप के खड़ी हो जाती हूँ, और जो है ना कोई दूसरा वाला अपग्रेड होने के लिए टनल में जा रहा होगा ना उसको रोक के उसके मूव कॉपी कर लूंगी। ओ माय गॉड ओ माय गॉड, ये देखो गाइस ये जो फीमेल कॉन्ग है बहुत ज्यादा होशियार बनने की कोशिश कर रही है। ये देखो ये यहाँ पे साइड में जाके छुप गई है, और है ना इसने ऐसा बोला कि जैसे है ना मैं अभी यहाँ पे राइट वाले टनल की तरफ दौड़ूंगा ना तो ये मुझे रोक के खुद राइट वाले टनल में दौड़ के अपग्रेड होने की कोशिश करेगी। अब देखो यार मेरे को तो पता नहीं है कि राइट वाला टनल सही है लेफ्ट वाला टनल सही है, तो एक मैं काम कर सकता हूँ ना, मैं इसी की ट्रिक इसके अगेंस्ट यूज करता हूँ। मैं कोई भी टनल की तरफ भागने लगता हूँ और फिर ये मुझे रुक के लेडीज फर्स्ट बोलेगी और फिर खुद जाने की जिद करेगी, तो पहले तो मैं थोड़ा नाटक करूंगा पर फिर इसको जाने दूंगा और फिर देख लूंगा अगर ये अपग्रेड होती तो इसके पीछे पीछे चला जाऊंगा वरना दूसरे टनल में चला जाऊंगा। ठीक है एकदम बढ़िया सा प्लान है। चलो चलो यार यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे राइट वाले सब अपग्रेड हुए थे ना तो यहाँ पे भी राइट वाले की तरफ ही मैं दौड़ने लगता हूँ। अरे अरे ये देखो एक गोल्डन कॉन्ग आ रहा है, ये तो लगता है राइट वाले की तरफ दौड़ रहा है। ए कॉन्ग रुक जा अंदर बच जाना। है कौन बुला रहा है मुझे? अरे तुझ में तमीज नहीं है, मैं यहाँ पे लाइन में कब से खड़ी थी, लेडीज फर्स्ट नहीं सुना क्या तूने? अरे अरे धक्का क्यों मार रही हो यार, आया मेरे को अब दिखे ही नहीं यार, और वैसे भी लाइन में तो पहले मैं आया था। नहीं नहीं लाइन में पहले मैं आई थी, और ये राइट वाले टनल में देने से पहले मैं जाऊंगी, मैं समझा ना लेडीज फर्स्ट होता है, चल हट यहाँ से। आया कहीं का? अच्छा चलो ठीक है यार तुम लेडीज फर्स्ट बोल रही हो तो जाओ। ओ माय गॉड चलो गाइस बढ़िया काम हो गया, ये वाली जो फीमेल बनाना कॉन्ग है ये जा रही है, अभी देखते ये राइट वाले टनल से अपग्रेड होती है कि नहीं। ऐसे तो गाइस देखो मुझे लगता है हो जाएगी क्योंकि राइट वाला टनल से पहले तो अपग्रेड हो गए थे। ये देखो ये इसमें गई, और ये देखो ये क्या हुआ? अरे अरे ये क्या हो गया, मैं तो छोटी सी मंकी में कन्वर्ट हो गई, मैं तो डाउनग्रेड हो गई। मजा आया, यही तो मेरी रिंग्स का मजा है कि ये डाउनग्रेड हो गई। वेरी वेल प्लेड फ्रैंकलिन, तूने ये फीमेल कॉन्ग को फंसा दिया और ये देखिए अभी आउट हो गई। ओ माय गॉड चलो गाइस यार मैं अच्छा यहाँ पे राइट वाले टनल में से नहीं गया वरना मैं भी डाउनग्रेड हो जाता। चलो यार मेरा काम तो हो गया, मेरे को तो चल गया राइट टनल में से नहीं जाना, तो यहाँ पे मैं चलता हूँ और यहाँ पे लेफ्ट वाले टनल में से कूदता हूँ, होपफुली अच्छा अपग्रेड मिले मुझे। एक सेकंड गाइस ये देखो ये क्या हुआ? ओ माय गॉड गाइस मैं तो यहाँ पे जायंट गोल्डन मेका कॉन्ग बन गया हूँ। ओ माय गॉड गाइस देखो ये वाली अपग्रेड टनल में से मैं फर्स्ट गया ना तो फिर यार मुझे ये टनल की पूरी पावर मिली, इसके लिए मैं तो एक गोल्डन मेका कॉन्ग बन गया, मजा ही आ गई मजा। अभी देखो यार यहाँ पे एक और यहाँ पे कॉन्ग खड़ा है, ये भी यार जायंट साइज का, इसको और अपग्रेड होना है। अरे फ्रैंकलिन मेरे को यार एक जायंट कॉन्ग में तो बन गया मैं, पर मेरे को एक जायंट और गोल्डन कॉन्ग में कन्वर्ट होने का मांगता है, और मैंने अभी देखा कि तेरे को पूरा नॉलेज है, तूने कैसे यार ये फीमेल कॉन्ग को बुद्धू बना के उसको राइट टनल में भेज के खुद लेफ्ट टनल की सारी पावर ले ली। ए भैया तू तो इतना अपग्रेड हो गया है,
मेरी मदद कर दे भाई, प्लीज मेरे भाई, मेरे को बता दे राइट वाले टनल में जाऊँ या लेफ्ट वाले टनल में जाऊँ। मैं कब से देख रहा हूँ तू बहुत इस्तेमाल करने वाला आदमी है, तू बहुत स्मार्ट है। ओह माय गॉड गाइस, ये देखो मैं यार यहाँ पे ढूंढ रहा था कि किसको बुद्धू बनाऊँ, और मुझे तो लगा था कि जो जायंट कॉन्ग है ये बुद्धू नहीं बनेगा, पर ये तो खुद मेरे सामने बुद्धू बनने आ गया। ये मुझे बता रहा है कि दोनों में से कौन से टनल में से जाओ। ठीक है बता देता हूँ यार, अभी देखो गाइस यार यहाँ पे है ना, इसको थोड़ा बुद्धू बनाते हैं। देख यार इधर ये सुन जायंट कॉन्ग, यहाँ पे राइट वाले में से अपग्रेड हुए, यहाँ पे लेफ्ट वाले में से अपग्रेड हुए, तो आई थिंक यार यहाँ पे वापस से राइट वाले में से अपग्रेड होंगे, क्योंकि ऐसा पैटर्न बन जाएगा ना, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। जा मेरे भाई तू लेनर इस राइट वाले में से जा और अपग्रेड होके खुद की जिंदगी जी ले। अरे थैंक यू ब्रदर, पूरा बढ़िया लॉजिक समझाया तुमने तो। चलो मैं यहाँ पे राइट वाले टनल में से जल्दी से चल के चला जाता हूँ, जिससे मैं अपग्रेड हो जाऊँ। ये क्या हो गया ब्रदर? अरे ये क्या हो गया, तुमने तो बोला था इसमें से जाऊंगा अपग्रेड हो जाऊंगा मैं, पर मैं तो डाउनग्रेड हो गया यार, मैं तो वापस से मेरे छोटे फॉर्म में आ गया। ये तुमने सही नहीं किया ब्रदर, बहुत गलत किया मेरे साथ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे पैरों पे हमला करूंगा। ये लो मेरे साथ बहुत गलत किया, मुझे डाउनग्रेड करवा दिया तुमने। एक और जन डाउनग्रेड हो गया, मजा आ गई मुझे, मजा आ गई। पर ये फ्रैंकलिन को तो देखो, ये अब मेरी साजिश में पकड़ा ही नहीं जा रहा, बार बार अपग्रेड होके ये तो एक खतरनाक गोल्डन मेका कॉन्ग में कन्वर्ट हो गया है। अब इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। इधर आ फ्रैंकलिन के बच्चे। अरे क्या कर रहा है तू, मेरे घुटनों पे हमला क्यों कर रहा है? रुक जा, इधर आ यार, क्या तकलीफ है तुझे? तुझे अपग्रेड होना है ना? अरे हाँ अपग्रेड होना है, रुक जा देख अभी मैं तुझे जोर से ना दूर बॉल की तरफ फेंकता हूँ, अपग्रेड हो जा। फ्रैंकलिन भैया ने उठा के फेंक दिया। तो चलो गाइस ये देखो राइट में से अपग्रेड नहीं होंगे मुझे पता है, तो यहाँ पे लेफ्ट में से मैं जल्दी से जाता हूँ, और ये देखो लेफ्ट के अंदर से मैं कूद के गया, और ये देखो गाइस मेरा मीटर और आगे बढ़ गया। अब तुम सोच रहे होंगे कि मैं अपग्रेड क्यों नहीं हो रहा, तो गाइस देखो मैं अपग्रेड इसके लिए नहीं हो रहा क्योंकि मैं अभी काफी ऑलरेडी जायंट साइज का मैं गोल्डन मेका कॉन्ग बन चुका हूँ, और अभी भले ही मुझे बहुत तगड़ा पावर बूस्ट मिला ये सही ट्यूब में जाने से, पर यार अभी मेरा पावर इतना ज्यादा है ना कि एक ट्यूब में से निकलने से मैं अपग्रेड नहीं होऊंगा। इसके लिए मुझे लास्ट ट्यूब में भी सही डिसीजन लेना पड़ेगा कि राइट में से जाओ लेफ्ट में से जाओ। हाँ फ्रैंकलिन, और तो यहाँ पे कोई मामू बनाने के लिए भी नहीं है, ये डिसीजन तुझे खुद से ही लेना पड़ेगा, और अगर तू लास्ट में डाउनग्रेड हो गया ना तो मेरे को बहुत मजा आएगा। अरे गंदी शार्क जाना, मैं डाउनग्रेड नहीं होऊंगा क्योंकि भले यहाँ पे कोई मेरे पास मामू बनाने के लिए नहीं है, पर यार मेरे पास मेरे यहाँ पे सारे प्यारे सब्सक्राइबर्स है, वो मेरी मदद करेंगे। गाइज ये देखो तुम लोगों को मुझे यहाँ पे डिसीजन लेके बताना है कि मैं राइट वाली ट्यूब में जाऊँ या लेफ्ट वाली ट्यूब में जाऊँ। देखो यार जल्दी से अगर तुम ना वीडियो को लाइक करोगे और कमेंट सेक्शन में राइट लिखोगे ना तो मैं राइट वाली ट्यूब में जाऊंगा, और जल्दी से वीडियो को लाइक करोगे लेफ्ट वाली ट्यूब का नाम लिखोगे मतलब लेफ्ट लिखोगे तो मैं लेफ्ट में जाऊंगा। तो गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, लेफ्ट या राइट लिख दो यार, मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि किंग योद्रा यहाँ पे आता ही होगा, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। हाँ फ्रैंकलिन मैंने भी सुना था किंग गिरियोद्रा बहुत ज्यादा मस्ती कर रहा है लॉस सैंटोस में, सब तोड़ फोड़ मचा रहा है। नहीं 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 ऐसा नहीं होने दे सकते, राइट या लेफ्ट, राइट या लेफ्ट, राइट या लेफ्ट, जल्दी से तुम बताओ। और उतनी देर मैं भी सोच लेता हूँ गाइज। ये देखो ये जो ये फर्स्ट ट्यूब थी इसमें से राइट में से अपग्रेड हुए थे, सेकंड में से लेफ्ट में अपग्रेड हुए थे, अब मैंने फिर तीसरी में से राइट बोला था पर लेफ्ट में से ही अपग्रेड हो गए, तो अब देखो यार तीन लेफ्ट तो लाइन से अपग्रेड नहीं होंगे ना, एक तो यार राइट से अपग्रेड होना ही चाहिए, तो मेरे को तो लगता है राइट से ही जाना चाहिए, और यार राइट मतलब राइट वे होता है। तो अभी चलो देखते तुम सब जनों ने कमेंट सेक्शन में क्या लिखा है। यहाँ पे देखो यार राइट 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 राइट, ओके ओके गाइस देखो तुम सब जनों ने भी राइट ही लिखा है, तो आई थिंक मुझे राइट से ही है ना ट्रैवल करके ट्यूब में से जाना चाहिए। फ्रैंकलिन आर यू श्योर कि राइट से ही जाना है तुझे? राइट से ही जाएगा तो फिर देख ले पोपट ना हो जाए। हैं शार्क तू ऐसा क्यों बोल रही है यार, राइट से जाने के लिए क्यों रोक रही है मुझे? गाइस ऐसा तो ना होगा कि मैं राइट से जाऊंगा और मैं है ना डाउनग्रेड हो जाऊंगा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं समझ नहीं आ रहा मुझे तो। फ्रैंकलिन हो सकता है राइट से गया तो डाउनग्रेड हो जाएगा, देख ले फिर मजा नहीं आएगा राइट से गया तो। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड गाइस, ये तुमने शार्क की बात सुनी, इसने क्या बोला? इसने बोला राइट से गया तो मजा नहीं आएगा, और गाइस देखो इसको कब मजा आता है? जब कोई डाउनग्रेड होता है। तो अगर मैं राइट से जाके डाउनग्रेड हो रहा होता ना तो फिर यार ये मुझे कभी बोलता ही नहीं कि राइट से मत जा, मेरे को है ना कुछ बोलता नहीं और राइट से जाने देख के डाउनग्रेड होने लग देता ताकि इसको मजा आता। अरे नहीं 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 फ्रैंकलिन तो मेरी चाल समझ गया। हाँ हाँ मैं तेरी चाल समझ गया, ये मुझे जान करके लेफ्ट में से भेजना चाह रहा था क्योंकि लेफ्ट में से डाउनग्रेड होते राइट में से अपग्रेड। तो चलो गाइस यार सिलेक्ट कर लिया राइट से ही मैं जाता हूँ यहाँ पे। ओह माय गॉड गाइस ये देखो, ओह मैं तो कितना खतरनाक एक गोल्डन मेगापिटिकस गोरिल्ला में कन्वर्ट हो चुका हूँ। ये देखो यार मेरी जो स्किन है वो कैसे चमक रही है गाइस, ऐसी चमकती भी कोई भी किंग कॉन्ग की तुमने स्किन नहीं देखी होगी, और ये देखो मेरा पूरा मुंह भी गोल्डन हो चुका है, और यार मेरे पास किंग कॉन्ग की एक ऐसी शक्ति आ चुकी है जो किसी के पास नहीं थी। ये देखो यार मैं मेरे गोल्डन मुंह से एक लेजर छोड़ सकता हूँ, ये इतनी खतरनाक किंग कॉन्ग की शक्ति है ना कि बहुत लिमिटेड कॉन्ग्स के पास होती है, इसका इस्तेमाल करके मैं है ना बहुत ही आसानी से है ना
वो किंग गियोद्रा को हरा पाऊंगा। और ये बार सिर्फ मैं उसको हरा के छोटा करके है ना उसको सील नहीं कर पाऊंगा उसके प्रिजन में, उसको हमेशा के लिए फिनिश कर दूंगा जिससे वो कभी लॉस सेंटोस में वापस नहीं आ सके। पर गाइज यार टू मेक श्योर कि मैं उसको हरा सकूं ना मुझे बस थोड़ी सी और पावर चाहिए, और थोड़ी सी और पावर जीतने के लिए मुझे कॉम्पिटिशन जीतना पड़ेगा वहां जाके जल्दी से। तो आओ चलो यार वो कॉम्पिटिशन जल्दी से जीतते और किंग गियोद्रा को जल्दी से हराते, लेट्स गो। तो गाइज ये देखो यार यहाँ पे मैं वो कंपटीशन में आ गया हूँ जहाँ पे मैं अपग्रेड होने वाला हूँ। अब तुम सोच रहे होगे कि फ्रैंकलिन यार तुम तो एक जायंट गोल्डन मेगा पेटिकस कॉन्ग बन गए थे और अभी ये छोटा कॉन्ग कैसे बन गए। तो गाइज देखो जब अपने ना जायंट फॉर्म तुम्हारा अनलॉक हो जाता है तो जब भी तुम चाहो तब छोटा फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हो। और यहाँ पे देखो यार ये वाला जो कॉम्पिटिशन है यहाँ पे सिर्फ छोटी साइज के किंग कॉन्ग ही खेल सकते हैं, इसके लिए ना यहाँ पे मैंने खुद का फॉर्म छोटा कर लिया है। अब यहाँ पे देखो यार ये जो खतरनाक रैम चैलेंज है ना उसको खत्म करने पे ऐसा रिवॉर्ड मिलने वाला है, ऐसा रिवॉर्ड मिलने वाला है ना कि मैं जायंट मेगा पेटिकस कॉन्ग से भी ज्यादा अपग्रेड हो जाऊंगा। ये देखो यार तुम्हें दिख गया होगा। हाँ गाइज ये देखो एक जायंट बनाना का भरा हुआ क्रेट है, अगर मैंने इन सबको खा लिया ना तो मेरी पावर इतनी बढ़ जाएगी कि इवन मैं वो अपग्रेडेड किंग गियोद्रा को भी हरा पाऊंगा। क्योंकि तुमने देखा ही था वीडियो की स्टार्टिंग में और वो किंग गियोद्रा ने जब किंग कॉन्ग की फैमिली को मारा ना तब उसने खुद को और भी ज्यादा सुपर गॉड ओपी फॉर्म में अपग्रेड कर लिया था। इसके लिए यार मेरे को जितना अपग्रेड मिल सके उसकी जरूरत है क्योंकि उससे लड़ाई करने में बहुत शक्ति लगने वाली है। तो चलो यार यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ। अरे मेरे बच्चों फाइनली चलो तुम सब बच्चे यहाँ पे आ चुके हो तो मैं तुम्हें ये कॉम्पिटिशन के रूल बता देता हूँ। ये देखो तुम चार बच्चों को यहाँ पे अपने पीछे से अपने मनपसंद की रॉकेट वाली गाड़ी सिलेक्ट करनी है। ध्यान रखना ये गाड़ी में मैंने रॉकेट इंजन लगा रखा है, बहुत तेज जाती है। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे आगे जाना चालू करना है और यहाँ पे ये रैंप को शुरू करना है। अब ध्यान रखना ये रैंप पे बहुत ही ज्यादा टर्न बनाए हैं मैंने, तो गलत टाइम पे अगर तुमने रॉकेट चालू कर दिया तो फिर यार तुम्हारी गाड़ी भुर्र करके ये रैंप से नीचे गिर जाएगी। तो एकदम सही समय आया ना तब ये ना रॉकेट को चालू करना क्योंकि बहुत सारे टर्न बना रखे हैं मैंने। ओ हाँ गाइस रॉकेट की टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और देखो ये वाले रॉकेट के इंजन मैंने ये वाले रॉकेट प्लेन में से डाले हैं जो तुम्हें आगे पायलट करके ये सारे चेक पॉइंट में से निकालने पड़ेंगे अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। ओ माय गॉड गाइस सिर्फ रॉकेट वाली गाड़ी नहीं एक्चुअली में रॉकेट जेट भी चलाना पड़ेगा यार ये बनानास तक पहुंचने के लिए। ठीक है कोई बात नहीं गाइस ये कर लेंगे यार। यहाँ पे देखो बस दो चीजों का ध्यान रखना है कि यहाँ पे है ना गाड़ी को कंट्रोल में रखना और रॉकेट प्लेन चलाते हुए यहाँ पे सारे चेक पॉइंट लेते हुए जाना है। सही कहना है मैंने टीरेक्स? अरे हाँ बिल्कुल सही बोला। चलो तो रूल्स तो सारे सिंपल है तो कंपटीशन को शुरू करते हैं। आ जाओ आ जाओ। जीतू का तो मैं ही, मेरे को किंग गियोद्रा को हराना है और लॉस सैंटोस का सबसे खतरनाक किंग कॉन्ग बनना है। अरे गाइज ये देखो यार इतना छोटा सा किंग कॉन्ग है ना यहाँ पे किंग गियोद्रा को हराने के सपने देखने लग गया। इसको क्या पता वो जायंट अपग्रेडेड गॉड किंग गियोद्रा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे सब पता है मैं ही जीतूंगा मैं ही जीतूंगा, मैं सबसे ज्यादा ओपी किंग कॉन्ग बनूंगा यहाँ पे बनाना खाने के बाद। ये देखो अभी यहाँ पे स्पीड करने का मेरा टाइम आ गया है पर मैं इतना बुद्धू भी नहीं हूँ कि यहाँ पे स्पीड करूंगा। ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी मैं 100-200 की स्पीड पे जा रहा हूँ। अब देखो ये एक टर्न होते ही है ना जब रैंप पे चढ़ने वाला टाइम होगा ना तब मैं मेरी बूस्ट मारूंगा। ओके टाइम आ रहा है बूस्ट मारने का। ये देखो मैंने बूस्ट मारी रॉकेट की, बूस्ट मारी मैंने। अरे ये क्या हो गया ये क्या हो गया। अरे गाइस देखो इसने ना हवा में उड़ते हुए ना यहाँ पे है ना बूस्ट मारी तो देखो ये क्या हो गया। ओ माय गॉड यार यहाँ पे ना इसकी गाड़ी तो रॉकेट की तरह पानी में छपाक हो गई। अभी किंग गियोद्रा को क्या शार्क से लड़ेगा यहाँ पे जाके? अरे ये आजकल के बच्चे कैसे किंग गियोद्रा से लड़ेंगे, मेरे परदादा ने असली किंग गियोद्रा से लड़ाई करी थी, मुझे सारे सीक्रेट पता है। मैं बनूंगा लॉस सैंटोस का रक्षक। मेरा नाम है गोरिल्ला ग्रॉड और ये देखो मैं यहाँ पे रेस चालू होते ही यहाँ पे है ना मैं ये वाला बूस्ट इस्तेमाल कर लूंगा। अब तुम्हें लग रहा होगा ये देखो तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने गलत जगह मेरी गाड़ी लगा दी, पर नहीं मैंने मेरी गाड़ी को एकदम परफेक्ट जगह पे लगाया है। ये देखो मैं बूस्ट मार के सबसे पहले यहाँ से है ना ये वाले आदमी की छाती पे गया और इसकी छाती से वापस से रेस ट्रैक पर आ गया। अरे यार ये इसने कैसे बूस्ट मारा, पर गाइस इसने तो देखो 2-3 बार बूस्ट मार लिए भाई, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा ये है ना गोरिल्ला ग्रॉड क्या कर रहा है। मेरे को सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, मैंने बोला था ना मेरे परदादा ने भी है ना किंग गियोद्रा से लड़ाई करी थी। और अभी देखो अब तो जैसे ही मैं नीचे जाने के लिए मेरी गाड़ी को स्टेबलाइज कर लूंगा ना मैं यहाँ पे एक और बार बूस्ट की शक्ति इस्तेमाल कर लूंगा। और यहाँ पे देखो सामने रेलिंग्स है ना तो मेरी गाड़ी को कोई खतरा भी नहीं है। मेरे जैसा स्मार्ट कोई नहीं है यहाँ पे। अरे हाँ गाइज यार ये सच्ची में ना गोरिल्ला ग्रॉड तो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। और ये देखो अभी सिर्फ मैं 2-3 बार नहीं 1/4 बार भी यहाँ पे अपनी बूस्ट की शक्ति इस्तेमाल करने वाला हूँ।
बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। है ये क्या हो गया, मुझे तो लगा था प्लेटफॉर्म थोड़ा लंबा है। हु, मैं मेरे ग्रैंडफादर की तरफ कैसे लड़ाई करूंगा किंग योद्रा से? नहीं, यहाँ पे लोग बातें ज्यादा करते हैं, काम कम। मुझे ऐसे लोगों से नफरत है। ये देखो, मैं मेरी डायमंड से बनी हुई रॉकेट वाली गाड़ी का इस्तेमाल करूंगा और बूस्ट मारने की। क्या सबको जल्दी हो रही है? टाइम वाला कंपटीशन थोड़ी है, सिर्फ कंपटीशन को कंप्लीट करना है। ये बुद्धू बच्चों को कैसे समझाया जाए? कुछ समझ नहीं आता आजकल के बच्चों को। मैं बताता हूँ कि कंपटीशन कैसे जीतते हैं और लॉस सैंटोस का रक्षक कैसे बनते हैं। मैं इतना खतरनाक किंग कॉन्ग बनूंगा ना कंपटीशन खत्म करने के बाद कि लॉस सैंटोस के हजारों साल के बाद जो बच्चे आएंगे वो भी मेरा नाम याद रखेंगे। अरे यार गाइस देखो यार, ये वाला जो किंग कॉन्ग है ये तो बहुत ही ज्यादा दिमाग इस्तेमाल कर रहा है। और देखते यार अभी ये बूस्ट मारने कब स्ट्रेटेजी यूज करता है, इसने तो है ना अभी तक बूस्ट मारा नहीं है। ये देखो, वो गोरिल्ला ग्रॉड ने ज्यादा कुछ सही नहीं करा, पर एक चीज सही ये करी थी कि नीचे यहाँ पे रेलिंग के पास बूस्ट मारना चाहिए, जिसे तुम्हारी गाड़ी की स्पीड तुम यहाँ पे कंट्रोल कर सको और आगे जाते जाते वापस से है ना बूस्ट अनलॉक हो जाए। चलो यहाँ पे अब आगे मैं बढ़ता जाऊंगा फटाफट से और यहाँ पे है ना एक और बार बूस्ट मारने के लिए रेडी हो जाऊंगा। पर मैं ये गाड़ी का बूस्ट नहीं मारूंगा, यहाँ पे देखो मैं कैसे बूस्ट मारूंगा। हैया, मैंने पूरी गाड़ी को रोक लिया है और ये देखो ब्रेक मारने में मैंने गाड़ी के बूस्ट का इस्तेमाल किया और अब मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ मेरे रॉकेट प्रोपेल्ड जेट इंजन तक, जिसपे मैं गाड़ी में बैठूंगा, बहुत मजा आएगी। चलो चलते हैं अपग्रेड होने और किंग गियोद्रा से लड़ाई करने। ओ माय गॉड गाइस, अगर है ना ये वाला पोलर बेयर अपग्रेड हो गया ना तो फिर गाइस मैंने जितनी भी सारे पापड़ वेले ना सारे वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि यार ये अपग्रेड होके लॉस सैंटोस को बचा लेगा, फिर सब जन इसका नाम याद रखेंगे, मेरा नाम तो कोई भी याद नहीं रखेगा, मेरा इतना सारा अपग्रेड होना वेस्ट हो जाएगा। फ्रैंकलिन तेरा अपग्रेड होना वेस्ट ही है। ये क्या हो गया? ओ नो, मेरा प्लेन टूट गया, यहाँ पे मेरा प्लेन पूरा फूट गया, ऐसा नहीं हो सकता। अब मेरा नाम कैसे याद रखेंगे बच्चे? ओ माय गॉड गाइस, मुझे तो लग रहा था ये चैलेंज करना इजी है, पर ये बिल्कुल भी इजी नहीं है। अरे बच्चे, मेरा चैलेंज है, इजी कैसे होगा? अरे हाँ हाँ, मुझे पता है इजी नहीं हो सकता, पर गाइस काफी ज्यादा मेरी उम्मीद से मुश्किल है। यहाँ पे पहले रॉकेट की टाइमिंग कंट्रोल करनी है, गाड़ी की स्पीड कंट्रोल करनी है, फिर वो जेट प्लेन को कंट्रोल करना है, उसके बाद वो बनाना खा के अपग्रेड होने, और फिर मुझे किंग योद्रा से लड़ाई भी करनी है। बाबा रे बाबा, इतना मुश्किल से इतने टास्क करने, पता नहीं मैं कैसे करूंगा। चलो कोई बात नहीं यार, ये देखो यार यहाँ पे मैं जा रहा हूँ आगे, एकदम धीमे धीमे जाऊंगा मैं, मतलब बिल्कुल गड़बड़ नहीं करनी है यहाँ पे मुझे। और यहाँ पे बूस्ट मारने तो बिल्कुल भी लालच नहीं करता अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए, क्योंकि जैसे वो पोलर बियर कॉन्ग ने बोला था ना कि ये एक टाइम वाला कंपटीशन नहीं है, मतलब जो जल्दी पहुंचेगा वो नहीं जीतेगा, सिर्फ जो पहुंच जाएगा वो जीतेगा। इसके लिए ना मेरे को जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। पर हां गाइस देखो, एक ट्रिक जो सबने यूज करी वो मैं भी यूज करूंगा। यहां पे रैंप से नीचे उतरते हुए एक बार गाड़ी स्टेबलाइज हो गई ना, हां ये देखो हो गई, तो एक बूस्ट की पावर यूज कर लूंगा मैं, और यहां देखो मैं एक बढ़िया सी ड्रिफ्ट लगाऊंगा तो मेरी गाड़ी तो यहां पे ना ठुकेगी भी नहीं। फ्रैंकलिन तो गाड़ी अच्छी चला रहा है। अरे हाँ हाँ, एकदम अच्छी चला रहा हूँ यार, इतने सारे जनों को मैंने देखा ना तो मुझे एक्सपीरियंस होगा गाड़ी कैसे चलानी है। और ये देखो यार, मैं यहाँ पे से जाऊंगा और जैसे वो पोलर बियर ने मस्त गाड़ी को ड्रिफ्ट मार के रोका था ना, मैं भी ऐसी गाड़ी को ड्रिफ्ट मार के रोकूंगा। ओए होए होए होए, तीन बार गाड़ी को हवा में घुमाया, मजा ही आ गई। चलो गाइस यहाँ पे प्लेन की तरफ चलते। अब गाइस देखो, मैं तुम्हें एक मस्त बात बताता हूँ, वो वाला जो है ना पोलर बियर कॉन्ग था ना, उसने पता क्या गलती करी थी? उसने अपने प्लेन के लैंडिंग गियर ऊंचे नहीं करे थे, इसके लिए उसका प्लेन कंट्रोल में नहीं रहा था। जैसे ही प्लेन को टेक ऑफ करते ना, उसके बाद उसके लैंडिंग गियर को है ना तुम्हें है ना हटाना पड़ता है। ये एक रूल होता है जिसके बारे में सब लोग को पता नहीं। ये देखो, प्लेन को टेक ऑफ किया ना, उसके बाद इसके लैंडिंग गियर्स को बंद करना चाहिए। ये देखो गाइस यार, इसमें है ना मैंने लैंडिंग गियर हटा दिए ना, अब ये जो मेरा जेट है ना, ये एक नॉर्मल जेट की तरह फंक्शन करेगा। इसके पहले है ना, अगर मैं इसको ना लैंडिंग गियर चालू करके करूंगा तो ये हेलीकॉप्टर की तरह फंक्शन करेगा और सीधा ऊपर जाने की कोशिश करेगा। इसके लिए देखो, उसका एक्सीडेंट हो गया और मैं ये गलती नहीं करूंगा। और गाइस हाँ देखो, अभी यहाँ पे ना ज्यादा लालच करके स्पीड को भी ज्यादा नहीं रखूंगा मैं, क्योंकि अगर स्पीड को ज्यादा रखा ना तो गड़बड़ हो जाएगी। उड़ी बाबा रे, उड़ी बाबा रे, अरे कितने शार्प टर्न है, अरे ये क्या खुल गया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये देखो गाइस, अभी यहाँ पे ना मुझे मेरे लैंडिंग गियर खोलने, क्योंकि मुझे मेरे प्लेन को कंट्रोल करना है। ये देखो, मैंने यार इसके ऊपर ब्रेक मारी, अब यहाँ पे ना मुझे एकदम बढ़िया से ना प्लेन को घुमाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी लैंडिंग भी तो करवानी है ना मुझे। पर ये देखो, अभी मैंने लैंडिंग गियर चालू करवा दिए ना, तो ये प्लेन काफी ज्यादा मेरे कंट्रोल में। और ये देखो, मैं अभी इसको है ना नीचे लेके जा रहा हूँ, और ये देखो ऑलमोस्ट पानी में चला गया था, पर मैंने इसको ऊपर लेके चला गया। अरे फ्रैंकलिन, तुम तो पहुंच चुके हो यहाँ पे मस्त बढ़िया जगह पे बनाना खा के अपग्रेड होने के लिए। हाँ हाँ, चलो बनाना खाता हूँ। नम 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 नम। ओ माय गॉड गाइस, ये देखो
मैं कितना खतरनाक किंग कॉन्ग बन चुका हूँ। ओ माय गॉड गाइस, मैं तो एक प्राचीन किंग कॉन्ग बन चुका हूँ। तुम्हें मेरे बाल दिख रहे एकदम बड़े हुए दिख रहे, और मेरे पास है ना ज्वेलरी भी एकदम एंशिएंट टाइम्स की, और ये एंशिएंट टाइम्स की ज्वेलरी के पावर का इस्तेमाल करके मैं फाइनली यार है ना वो जो गियोद्रा है उसको हरा सकता हूँ। और ये देखो मैं उसकी लोकेशन सेंस कर सकता हूँ गाइस, वो किंग गियोद्रा ना यहाँ पे एयरपोर्ट के पास है। मैं अभी देखो यार मेरा मैजिक यूज करके उसके पास टेलीपोर्ट हो जाता हूँ। ये देखो यार मैं यहाँ पे टेलीपोर्ट भी हो गया। किंग गियोद्रा कहाँ पे, किंग कॉन्ग तेरे से लड़ाई करने आ गया है। ओए प्लेन यहाँ पे लैंड मत, तो चल यहाँ से हट जा। अरे ठीक है सर, जाते हैं। कहाँ पे ये रहा मैं किंग गियोद्रा, और मैं नॉर्मल किंग गियोद्रा नहीं हूँ, मैं अल्टीमेट किंग गियोद्रा हूँ। ओ माय गॉड गाइस, इसकी साइज तो मेरे से बहुत ज्यादा बड़ी है, और ये तो देखो अपने बीच वाले मुंह से मेरे को इलेक्ट्रिक के झटके दे रहा है। इसको मारना तो काफी मुश्किल होगा। काफी मुश्किल नहीं, नामुमकिन होने वाला है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, इधर आइए ले। ओ माय गॉड। अरे कितना जोर से पकड़ के मार रहा है ये तो। अरे तेरे को अकेले को पकड़ के जोर से मारना नहीं आता, इधर आ। ये ले तेरे को पकड़ा, और मैं तेरे को यहाँ पे पानी में फेंक कर आऊंगा, फिर मजा आएगा। पानी में मत फेंक मुझे फ्रैंकलिन, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये ले। ओ माय गॉड गाइस, इसके साथ मैं ना कैच तो नहीं खेल सकता, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। मेरे को इसको थोड़े घूसे मारने पड़ेंगे। अरे इसको घूसा मारने गया था उतने में इसने मेरे ऊपर घूसा मार दिया। अरे एक और घूसा मार दिया। गाइस मेरे को एक चीज पता चल चुकी है, मैं इससे लड़ाई नहीं कर पाऊंगा। क्लोज रेंज वाली मतलब इससे पंच मार के मैं इसको नहीं हरा पाऊंगा, क्योंकि यार ये मेरे से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मुझे इसके ऊपर लेजर से हमला करना पड़ेगा, मेरे वो कैनन से, माउथ कैनन से। ये ले, ये किंग कॉन्ग का माउथ कैनन की पावर तेरे पास कैसे आई? ये तो सिर्फ बहुत ही ज्यादा खतरनाक किंग कॉन्ग्स के पास आती है। अरे मैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक किंग कॉन्ग हूँ। अरे भैया लैंडिंग करने दो, एयर इंडिया की फ्लाइट है। अरे एयर इंडिया की फ्लाइट छोड़ो यार, यहाँ पे दिख नहीं रहा तेरे को कितना घमासान बैटल चल रहा है यहाँ पे। ये देखो गाइस यार, आउच। अरे बाबा रे, मैंने इसके ऊपर इतनी लेजर मारी गाइस, फिर भी देखो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ये तो मेरे पे और करंट पे करंट मारे जा रहा है। ऐसा ही होगा। ये ले, नहीं ये लेजर मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, तेरे मुंह की सारी बास मेरे को आ रही है। गाइस ये देखो मैं इसके पास खड़ा रह के इसके ऊपर बहुत देर से लेजर से अटैक कर रहा हूँ। एक बार तो ये कमजोर होगा ना थोड़ा मेरी लेजर से, और फिर मैं ना अपने स्पेशल किंग कॉन्ग की पावर वाला एक्सप्लोजन यूज करके इसको पूरा फिनिश कर दूंगा। हाँ ये लेजर अब बहुत ज्यादा परेशान कर रही है मुझे। कितनी ज्यादा लेजर की पावर है तेरे पास, क्या कर रहा है, क्या खा के आया था जो इतनी लेजर मार पा रहा है? अरे हाँ गाइस मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ये देखो, ओ माय गॉड गाइस, ये क्या हुआ? हाँ ये हमला कैसे किया तूने, इतना स्ट्रांग हमला नहीं करना था तुझे। हाँ ओ माय गॉड गाइस, देखो मैंने स्ट्रांग हमला किया, फिर उसने भी स्ट्रांग हमला किया मेरे ऊपर। कोई बात नहीं, और लेजर मारूंगा मैं तेरी मुंडी के अंदर, लेजर मारूंगा जब तक तू मरेगा नहीं, तब तक तेरे पे लेजर मारूंगा। नहीं ये लेजर अब सहन नहीं हो रही मेरे से, नहीं छोड़ दे ये ले। ओ गाइस देखो ये कमजोर हो गया। अभी देखो मेरे पास टाइम आ चुका है कि मैं बड़ा एक्सप्लोजन खुद का अटैक करूं। ये देखो मैंने खुद का बड़ा एक्सप्लोजन अटैक करना चालू किया। नहीं इस अटैक से तो मेरी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो रही है। अगर ऐसे पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय कर देगा तो मैं हजारों साल वापस बाद नहीं आ पाऊंगा, मुझे छोटा बना के जेल में डाल दे। नहीं, मैं तुझे ऐसे एक्सप्लोजन कर करके पूरा डिसइंटीग्रेट कर दूंगा। ओ माय गॉड गाइस, ये देखो मैंने सिर्फ ये वाले किंग कॉन्ग की पावर इस्तेमाल करके इसको है ना हरा नहीं दिया, मैंने इसको पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट कर दिया। मतलब ये किंग गियोद्रा भी कभी वापस भी नहीं आ पाएगा लॉस सैंटोस पे राज करने के लिए। तो गाइस देखो मैंने तो मेरा किंग कॉन्ग मीटर भर के पूरे लॉस सैंटोस को बचा लिया। अब तुम भी यार मेरी मदद करना चाहते हो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। स्क्रीन पे दो वीडियो आ रहे हैं, उन दोनों वीडियो में से कोई एक वीडियो देख लो, दोनों वीडियो बहुत अच्छे हैं। तो चलो मैं मिलूंगा तुम्हें GT5 के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।